इससे हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा काम बढ़िया होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। मेयर उपमेयर का चुनाव हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बार जनता ही किंग मेकर बन रही है। मेयर को सीधे हम लोगों के द्वारा जो चुनाव चुने जा रहे हैं, इसकी हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है। बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार जनता मेयर और उपमेयर का चुनेगी। ऐसे में मुजफ्फरपुर के सुधापट्टी में हम मौजूद हैं और व्यवसायियों से बातचीत करेंगे कि कैसा मेयर होना चाहिए, क्योंकि पहले तो वार्ड पार्षद मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार मेयर और उपमेयर जनता चुनेगी। तो ऐसे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जनता डायरेक्ट मेयर उपमेयर चुन रही है, इससे हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा काम बढ़िया होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और ये जो नगर निगम की सरकार बनेगी अच्छा कार्य करेगी, जिससे कि आम जनता भी इससे राहत उसको मिलेगा। मेयर उपमेयर पहली बार चुनी है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, सरकार ने ये मौका दिया है, हम लोग इसको अवेल कर रहे हैं और इसका भविष्य अच्छा होगा। क्या कहेंगे, मेयर और उपमेयर पहली बार चुनने जा रहे हैं? जनता के वोट से मेयर उपमेयर का चुनाव हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है और किसी पर कोई दबाव नहीं है, न जनता पर है न वार्डरों पर है। इसीलिए शहर का काम, शहर का विकास होना चाहिए और मेयर डिप्टी मेयर जो भी आएंगे वो भी खुल के शहर का विकास करेंगे। और हम लोग जनता में भी सब में खुशी है कि चलिए कम से कम मेयर और उपमेयर का चुनाव जनता के वोट से हो रहा है और जनता भी चाह रही है कि हम लोग डायरेक्ट अपने नेता को चुनें। व्यवसाय को कितना इससे लाभ होगा, क्योंकि व्यवसाय को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याएं। व्यवसाय की अपनी मांग है, वो प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से कई बार की जा चुकी है और इस बार भी जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सबसे पहले हम लोग व्यवसायी का जो निदान है उसको जरूर करेंगे। ट्रेड लाइसेंस की जो समस्या आ रही है, जो शहर में पहले भी इसकी मांग उठी थी, तो उनका से ही आश्वासन है कि हम लोग इसका निदान सरकार बनते ही सर्वप्रथम करेंगे। क्या कहेंगे जी? हर बार ये किसी न किसी नेता पर या किसी आदमी पर जो किंग मेकर बनने का आरोप लगता था, आरोप प्रत्यारोप होता था, इस बार जनता ही किंग मेकर बन रही है। तो जनता की एक अपेक्षाएँ भी होती है कि भाई हमारा मेयर या डिप्टी मेयर हमारे लिए ये काम करे, तो शायद इस बार ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, लोगों की अपेक्षाएँ पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो खुद अपने आप मेयर डिप्टी मेयर चुन रहे हैं। व्यवसायी वर्ग को इससे क्या? व्यवसायी वर्ग देखिए हमेशा से लाभान्वित भाई वो होना चाहता है, लेकिन समस्या व्यवसाय की बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ ट्रेड लाइसेंस या यूजर चार्जेस बहुत सारा चीज़ लग रहा था, तो लोगों ने आश्वासन दिया है कि उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। देखिए, उम्मीदें हैं, उम्मीद तो है, इस बार उम्मीद ज़्यादा जी। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है मेयर और उपमेयर पहली बार चुन रहे? मेयर और उपमेयर को सीधे हम लोगों के द्वारा जो चुने जा रहे हैं, इसकी हम लोगों को बहुत बहुत खुशी है और हम व्यापारी वर्ग सभी लोगों को साथ लेके चलने से ही व्यापार में उन्नति होती है। तो किसी भी एक नेता के दबाव में कोई एक आदमी अगर आता है तो ये व्यापार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। व्यापार सभी लोगों के सहयोग से ही चलता है, तो किसी एक के सहयोग से व्यापार जो है सुदृढ़ नहीं चल सकता है, इसीलिए इसमें सबका सहयोग जरूरी होता है। आपने सुना कि व्यवसायी वर्ग के की राय क्या है, व्यवसायी वर्ग में खुशी है क्योंकि इस बार जनता चुन रही है। व्यवसायी वर्ग के लोगों ने साफ साफ कहा कि इस बार कोई नेता किंग मेकर नहीं है और देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में भी उत्साह है और महिलाएं भी सुबह सुबह वोट डाल रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं में भी उत्साह है, वोट गिरा दिया। हाँ हाँ, इतनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी, काफ़ी खुशी है लोगों में। वोट गिरा रहे हैं, जनता की सरकार बन रही है, नगर की सरकार जनता खुद ब खुद बना रही है। ऐसे में व्यवसायी वर्ग को उम्मीदें हैं कि उनकी परेशानी इस बार जनता के द्वारा जो मेयर बनेंगे और उपमेयर बनेंगे वो दूर करेंगे।